तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आपके लिए गुड न्यूज़ बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पे बड़ी अपडेट आ चुका है। अब दोस्तों ई कल्याण स्कॉलरशिप का डेट फिर से यहां पे बढ़ चुका है। दोस्तों पूरा जुलाई महीना तक इसका डेट को बढ़ा दिया गया है। अगर दोस्तों अभी तक आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो आपके लिए गुड न्यूज़ यहाँ पर आ गई है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी बताने वाला हूँ। पूरा जुलाई तक कब तक है डेट पूरा फिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि डेट को बढ़ा दिया गया है। सब कुछ बताऊँगा वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों मैं हर बार की तरह इस बार भी बोलता हूं कि दोस्तों आपको सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाता है ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ई कल्याण की पोर्टल पे आ गया हूँ, उसके बाद दोस्तों चलिए मैं आपको लाइव सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि कब तक डेट बढ़ चुका है, वेरीफाई करने का डेट कब है, और आपको यहाँ पे लॉगिन या तो एडिट या तो अपलोड करने का डेट कब है, सब कुछ चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं स्टूडेंट नोट वाले बटन पे आ चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया है। डिटेल्स में यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे दोस्तों पिछले बार आपको दिख रहा था कि आपका डेट यहाँ पे यानी कि दोस्तों 30 तारीख तक बढ़ा दिया गया था, उसको दोस्तों यहाँ पे डेट को बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 25 जुलाई तक आपका डेट को बढ़ा दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि 25 तारीख तक का डेट का दिया है जुलाई महीना तक, जैसे यहाँ पे दोस्तों यानी कि जून तक था उसको दोस्तों बढ़ा कि यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पे साफ सब फ्रेश यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बात करें तो यानी कि आउटसाइड या तो इनसाइड, अगर दोस्तों आउटसाइड स्टेट के रहने वाले हो तो भी आपका डेट बढ़ चुका है। आपका दोस्तों 25 जुलाई तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है 25/7/2023। ये तो दोस्तों आपका था रजिस्ट्रेशन करने का। अब दूसरा चीज मैं आपको समझा देता हूँ, आपका कॉलेज वेरीफाई करने का डेट, यहाँ पे दोस्तों आपके कॉलेज द्वारा वेरीफाई करने का डेट को भी यहाँ पे जुलाई अगस्त तक कर दिया, 2 अगस्त तक आपका दोस्तों कॉलेज में वेरीफाई हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों कॉलेज का वेरीफाई करने का डेट 2 अगस्त रख दिया गया है, जैसे यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको अगला बता देता हूँ, आप एडिट या और एप्लीकेशन, यहाँ पे दोस्तों एडिट एप्लीकेशन, अगर आपका एडिट अभी तक नहीं दिया गया है तो आप एडिट करने का यहाँ पे डेट देखते हो 7 जुलाई तक यहाँ पे दिया गया है, 7/7/2023 लिखा है, यानी कि 7 जुलाई तक अगर आपका किसी कारणवश आपका एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप एडिट कर सकते हो दोबारा से, जैसे यहाँ पे देखते हो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, अगर दोस्तों एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर आपका डॉक्यूमेंट किसी तरीके से गलत हो चुका है तो इसका भी डेट को बढ़ा दिया गया है, जिसमें दोस्तों 7 जुलाई तक आप यहां पे अपलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों किसी कारणवश आपका दिक्कत आया है या तो कोई गलत अपलोड हो चुका है तो आपको अभी मौका है, आप सुधार कर सकते हो, 7 जुलाई तक आप यहां पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पे और चीज तो यहां पे दिया गया नहीं है, जैसे यहां पे देखते हो, अगर दोस्तों आपको यहां पे अभी तक अप्लाई नहीं की हो तो 25 जुलाई तक अब आपका डेट बढ़ चुका है, आप इजी तरीके से आउटसाइड या तो इनसाइड वाले लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहां पे देखते हो। और दोस्तों इसका कोई भी डेट बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए अभी आपको 1 महीना का टाइम है, फटाफट से आप आवेदन कर लो। और दोस्तों जो भी मैं डिटेल समझा दिया इस वीडियो में उसको दोस्तों ध्यान से आप समझ गए हैं तो आप एडिट भी कर सकते हो 7 जुलाई तक, और दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दिया इस वीडियो में, तो इस वीडियो से आपको पूरी समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसा ही कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाता है। और दोस्तों आपको किसी भी कारणवश कुछ भी दिक्कत आता है तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखना, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टाग्राम में ही दे देता हूँ, इसलिए दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर करना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट का, या तो दोस्तों यूजर नेम दिख रहा है राइट साइड में डिजिटल कमलेश _92, इस यूजर नेम सर्च करना तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पेज मेरा, तो दोस्तों मुझे फॉलो जरूर करना, और जिसको भी बात करना रहेगा तो डायरेक्टली आप मुझे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में यह चीज़ आपको जानकारी देना था, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।